अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी धूप निकली हुई है और मैं अभी कंबल लेके इधर बैठा हुआ हूँ धूप में। अभी बहुत मज़े की धूप निकली है, सुबह से बारिश हो रही थी और ठंड भी थी। और सुबह सुबह मैं भाई अली लोगों को इधर अड्डे पे छोड़ने भी गया था सुबह 6 बजे। और बाकी आप सब कह रहे थे कि भाई आपकी कार किधर है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे थे उन सब का मैं आंसर करूंगा कि हमारी कार कहाँ है और क्यों हम उस पे आते जाते नहीं हैं। तो इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो भी आपसे शेयर करनी है। वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। और जिन बहन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको सारा चीज़ें क्लियर करेंगे और जो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी, वो भी शेयर करेंगे। और किन की गुड न्यूज़ है उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हाँ जी बेटा, अभी मैं वीडियो एडिट करने लगा हूँ। एक वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद फिर कहीं जाना है और गुड न्यूज़ देनी है आपको, वो भी दूंगा। उसके बाद फिर कार का बताऊंगा आपको। ये देखें, ये दोनों बहन भाई ना कपड़े धो रहे हैं। और ये देखें, इसने अपनी जुराबें धो के ना ये अब इस तार पे डालने के लिए आया है, जैसे भाभी ने धो के ऊपर रखे हुए। हाँ जी हिबा, वो जिस तरह अम्मी जी कपड़े धोती हैं ना, उसे हम मुंगली बोलते हैं अपनी जबान पंजाबी में। मुंगली, डंडा कह लो या मुंगली कह लो या थापी कह लो, काफ़ी लोग कुछ कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके ही वो कपड़े धो रही है और साथ में कपड़े अब देखें पानी भी डाले जा रही है, साबुन भी लगाए जा रही है, सारे काम करे जा रही है। इसे बहुत शौक है कपड़े धोने का ही को। और मोई साहब को देखें इधर। अंदर पे आवा वाशरूम में। ये देखें जी, कपड़े धो गए हिबा के, अपने भाई के कपड़े धो के आई है हिबा। बेटा उधर रख तो चारपाई थी, तो चलो आगे आगे, ठंड लग जाएगी मेरे सोना तेन। जा मेरी प्यारी बेटी। नहीं बेटा नहीं धोना, ठंड लग जाएगी थोनों, उधर रख दो। आप ही मामा धो लेगी, मशीन लगाएगी मामा। मोईज आज सोना होया, किधर चले हो? उतारो छलांग लगाओ, पीछे दौड़ क्या छलांग लगा, बस भाग क्या, भाग के भाग क्या। नहीं पकड़िया जाता। मैं टीका लगवाऊं, चलो तुम घर वापस चले जाओ, ठंडा जाओ। अबू देखो अबू जी काम कर रहे, उधर चले जाओ, जाओ जाओ, शाबाश। आ ले तो नहा धो लिया जी। अब आपको जल्दी से खुशखबरी भी सुनाएंगे और इसके साथ साथ आपको जो मैंने दूसरी बात बोली है उसका भी आपको बताएंगे। बाकी आप सभी लाजमी बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। हमारी तरफ तो अभी धूप निकली है, थोड़ी देर पहले तो बारिश भी हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है, क्या सूरत हाल है, ठंड कैसी है। और अभी वैसे मुझे ठंड में कुछ नहीं होता, मुझे तब ज़्यादा ना थोड़ी सी ठंड से एलर्जी है जब धुंध पड़ जाती है, तो धुंध से मैं थोड़ा सा चलता हूँ। बाकी मुझे बाकी सर्दी से डर नहीं लगता, बस जब धुंध पड़ जाती है ना तो तब मुझे बड़ा अजीब सा फिर फील होता है। वहाँ जाने से पहले मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ जो कि मौसमी का पौधा है। ये देखिए मेरे पीछे बड़े ज़बरदस्त इसे मौसमी लगे हुए हैं। हम लोग मौसमी बहुत कम खाते हैं क्योंकि। तो अब आपको जल्दी से खुशखबरी भी सुना देते हैं, मुजम्मल भाई की तरफ से खुशखबरी है। काफ़ी बहन भाइयों को तो पता भी चल गया होगा। तो खुशखबरी यह है कि मुजम्मल भाई, मैं कहना तुम दसो। हाँ जी मुजम्मल भाई को पूछते हैं कि जो कड़ी खुशखबरी है। भाई मुजम्मल भाई ख्याल तुम आप ही दसो। हाँ जी सानू तो बहुत इस गल की खुशी हुई कि राती असी देखे मेल आई हुई सी सुबह अच्छा ते कि साडा चैनल जेड़ा मोनेटाइज हो गया चलो जी, लख लख ते मुबारक हों ते खैर अल्लाह मुबारक। ताला मैं थानू एक बारी चाचा फिर नी मिले तरक्की ये दे। फयाज भाई नू हाँ जी ते भाई, वाह मुजम्मल इंशाल्लाह भाई फिर ऐसी असी आंगी। कल नू नेक्स्ट टाइम फिर आवांगे। अच्छा
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਲੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਐਡ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਅਬ ਦੇਖੇ ਬਈ ਹਮ ਹੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ, ਹਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਜਾਣਤੇ ਹੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਮੇਂ ਆਪ ਕੁਛ ਲੋਗ ਕਹੇਂਗੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਐਸਾ ਬੋਲ ਦਿਆ, ਤੋ ਹੰਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹਮੇਂ ਚਲਤਾ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਗਪਸ਼ਪ ਮਾਰਤੇ ਹੈਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ। ਤੋ ਚਲੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਸਭ ਕਾ। ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਨਕੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਤੋ ਜਲਦੀ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰ ਆਈਏਗਾ ਔਰ ਹਮੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਆਪ ਬਤਾਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੋ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਕਾਰ ਕਿਧਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਬਤਾਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਕਾਰ ਕਿਧਰ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੇ ਕਾਰ ਹਮਨੇ ਲੀ ਥੀ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰ ਕੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਆਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ। ਸੇਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਉਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਕਾਰ ਮੇਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਵੋ ਕਾਰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤਬ ਸੇ ਹਮ ਲੋਗ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋ ਜੈਸੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਲੋਗ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲੈਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਸਰੁੱਲਾ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ, ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰ ਦੇਖਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਪ ਭਾਈ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਥੇ, ਵੋ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ ਉਨਕੇ ਸਾਥ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਵੋ ਕਾਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਸ ਇਹ ਬਾਤ ਥੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਥੀ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਥੇ, ਭਾਈ ਆਪ ਬਾਈਕ ਪੇ ਜਾਤੇ ਠੰਡ ਮੇਂ ਤੋ ਆਪਨੇ ਕਾਰ ਕਹਾਂ ਕੀ। ਤੋ ਯਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਥੀ ਕਿ ਕਾਰ ਹਮਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉਸਮੇਂ ਮਸਲਾ ਹਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੋ ਹਮਨੇ ਵੋ ਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੀ ਥੀ। ਬਾਕੀ ਹਮਾਰੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਹੈਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋ ਯੇ ਕਾਰ ਆਪ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਂ, ਆਪ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਊ ਲੈ ਲੇਂ। ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਹਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਊ ਕਾਰ ਲੇਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ ਤੋ ਵੋ ਲੈ ਲੇਂਗੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਆਪ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕੀਜੀਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਬ ਘਰ ਆਏ ਹੈਂ ਤੋ ਭਾਭੀ ਜੀ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈਂ ਵੋ ਕਿਆ ਬਣਾਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਜ ਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਅਭੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਸੂਰਜ ਦੇਖਨੇ ਆਪ ਗਰੂਬ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਚਾਵਲ ਕੀ ਬਣਾ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੁੰਬਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਮੋਹਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ, ਉਹ ਫੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੋ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਖੁੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਧਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਖੁੰਗਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਬਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਚਾਵਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹੈ? ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਮਾਮਾ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਲਾਓ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਪਲਾਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਆਮ ਦਾ ਅਤੇ ਪਲਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਈ ਫੱਟੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਈਸ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੀਬਾ ਦੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਫੱਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਮੋਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਪੱਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਚਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੋੜੀ ਮੈਂ, ਓਏ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੀ ਆ? ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਫੀਡਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਟੀ ਆ ਫੀਡਰ ਨਾ,
मोई सची दसो फिर मैं थोनू निमको दूंगा पहले क्यों क्या मैं नहीं सिटिया हिबा ने सिटिया क्या तुसी मोई सची दसो फिर निमको दूंगा तुसी सिटिया जा हिबा ने आप ही टूटिया हिबा ने सिटिया जा तुसी सिटिया निमको दूंगा सची गल दसो कहने सिटिया मोई तुसी सिटिया झग जल्दी अंगारे होंगे बूझ जाते मतलब अग थोड़ी पे जल्दी सुआह बन जाती है चलो जी अम्मी ने देसी जुगाड़ लाया देसी करके टमाटर मिर्चें प्याज और आलू ये सारा सामान तैयार हो गया अब भाभी जी बनाएंगी पुलाव फिर पाओ हाँ जी पाओ नहीं पुलाव ओ माचिस पई भाभी लगाओ हाँ लकड़ियां का लगा ला ऊपर छोटियां छोटियां आग जलानियां उन्हें बिल्कुल चूल्हा फुल कन्या तक इतने तक ना करके ऊपर तक इतने तक फिर उन्हें करना तो अबू ने अक्सर करना तेरा तू बालन बोझ लाउंदी आ तुहाडी भी इह आदत मैं अक्सर बैठा नोट करदा हुंदा मैं क्या भाभी भी वैसे ही अग बालदी आ लेकिन मैनूं खुद मजा आंदा बालन ज्यादा लगा थोड़ा होवे तां बुझ जांदी फिर बार बार नहीं बालदी है मोटी लकड़ी लग जानी है ना लग जानी इहनूं पर रखियो परली साइड ते अपने आले इधर असीं पैर पूर हजे ना भाभी रखो इक मिंट लग अग जल लैंदा ना कोले बन जाण फिर गोल्डन ब्राउन होने देंगे इसके बाद फिर जो भी आगे करना है वो बाद में देखेंगे चावल जो है भगो के रख दिए हैं प्याज हल्के ब्राउन हो गए चलो जी पानी पाने हम असी आलू जरा नरम हो जाएंगे <हो गया। laughs> चटनी बनानी ना मोहित बड़े ना करो चावल पक गए जवीर ने हो सकता भी कह देने भी नहीं सही बने पता उन्होंने पता ना भी दोबारा भी खानी अच्छा नींबू लैन इधर गए हुए हाँ जी सही ये देखे मोइज के काम अचार निकालने के लिए ये रखा हुआ था
अभी अचार निकालते, मैं तो अचार के साथ खाता हूँ, ऐसे नहीं खाता मैं, चटनी मैं नहीं खाता, मैं अचार खाता हूँ साथ में, ये वाला अचार। चलो जी, तो वैसे मैंने आलू पा दियो, इन्हें ज़्यादा भी ना हो, इन्हें थोड़े भी ना हो। ये रहे जी मेरे चावल, ये रहा मेरा अचार, और ये रही चटनी, सादा सिंपल सी। ये रहे हिबा के चावल, आज भाभी जी सबको दे रही हैं डाल डाल के, कल सालन डाला था, आज भाभी जी ने चावल भी डालना शुरू कर दिए, शुक्र है। अब भाभी जी खुद ही डाल के सबको दिया करेंगे सादन वादन। चलो जी असी हूँ पुलाव खा लिए, देख के मुझ पानी आ रहा वा, जल्दी जल्दी खा लीए। अम्मी जी तुसी बड़े, थोनों ठंड लगी है, मैं अगे लग, ते उधर आगे हो जाओ ना उधर सामने।